लेके आए तो मैं दिखाई कहीं झूठ बोल रही होंगी। देखो दूध की ये पहचान है, देखो है। तब भी हम थोड़ा सा लेट हो पाए, थोड़ा ही से देखो कितना भी समय है, सुबह ही आए बिल्कुल भी। और दूध ये ले लेके आए और तुम सो रहे हो, ये बताओ इतना सोया जाता है। गुड मॉर्निंग, आया इसकी जिंदगी है, औरत ऐसी मिली फिर का है। और दूध लेके आए, पति परमेश्वर सो रहे हैं, बच्चा च गया टहलाने के लिए। देखो घड़ी है 5:30 बजे, अभी दूध ले। अब हम अच्छा करेंगे, एक तरफ दूध रखेंगे तचने के लिए, और फिर हम लगा एक झाड़ू लेंगे, झाड़ू लेके अपना काम करेंगे। अब सीधे जा रहे हैं हम किचन में, इतने से इतने कौन दूध लेके आएगा आप बता देना दोस्त। अब देखो अब दे रहा, देखो ये गलियाँ सुनसान पड़ी हैं, सवेरे का वक्त है 5 बजे भी। ले गर्म पानी से क्या होता है, पी लेते हैं, ये कहो हमारी बदल हम ले आते हैं आप। अच्छा है, नींबू नहीं था आज, पहला के लाया करो, सीधा अपना हाथ धो लो साबुन से और पेस्ट करो, ठीक है, फिर बैठो फ्रेश होके। हम अपना पानी इसलिए डाल देते हैं कि अब हम झाड़ू पोछा करे दे रहे सवेरे सवेरे तो सही रहता है, पूरा घर बहुत गंदा हो जाता है जो सवेरे अपना झाड़ू पोछा कर ले। बाहर से घर में इनको नहीं भेजते हैं, कमरा एकदम बिल्कुल साफ कर दिया। ये रूम मेरा एकदम क्लीनली हो चुका है, ये भी कमरा मैंने देखो बिल्कुल एकदम साफ कर दिया है। इधर कितना गंदा निकला, बहुत गंदगी निकलती है, स्टेप ही ना बाल बहुत आते हैं उसकी वजह से, ये बिल्कुल साफ कर देता है रूम। मोबाइल रख दिया करो सवेरे सवेरे, दूध पकड़ो और जल्दी पी लेना, ठीक है, गिलास सिंक में डाल के आना है तुम्हें, नहीं बहुत पीटूंगी मैं। इधर दोस्त मैंने उनको एकदम साफ कर दिया है, और इधर दोस्त गंदा पड़ा है, देखो ये इतनी गंदगी निकलती, और इधर ये साइकिल की तरफ और गंदा है, उधर तुम पूरा साफ कर लिया सवेरे सवेरे। घर अपना एकदम देखो साफ कर डाला सवेरे सवेरे, का डालो अच्छा लगता है, बासा घर अच्छा नहीं लगता है। हम इसे सीढ़ी का पानी डाल लेते हैं, ये भी गंदगी होगी वो चली जाएगी, और सवेरे कर दो अपना सही रहता है। को एक सेब दे देंगे, चाय नहीं देते हैं सवेरे के वक्त, तो नुकसान करती है चाय। सवेरे सवेरे खाली पेट सेब खाना सही रहता है, और गर्म पानी और चाय आए तो नुकसान करती है, आपको पता है डॉक्टर तो हम ही है पूरे। हम दोस्त झाड़ू पोछा करके नीचे हो चुके, अब हम आ चुके हैं किचन में। अब हम इसमें डाल दे रहे हैं ये कटा हुआ प्याज, शाही पनीर बनाएंगे। शाही पनीर के लिए प्याज इसी तरह से किया जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, हल्का ये एकदम गुलाबी होगा तभी हम दोस्त इसको निकालेंगे कढ़ाई से बाहर। जैसे हल्का हमने गुलाबी कर लिया है दोस्त, अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च ये, और ये भी देखो फ्राई हो चुकी, इसको भी हम निकाले दे रहे कढ़ाई से बाहर। डाल देंगे मटर इस तरह से फ्राई, इसको भी थोड़ा सा कर लेंगे, इसे भी हमने दोस्त अपनी फ्राई के लिए इसको भी हम निकाल लेंगे बाहर कढ़ाई से। मेरा हम इसमें डाल दे रहे ये पनीर, हल्दी लगी हुई है, इसको फिर थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, इसको तेल में थोड़ी देर इसमें लगा के रख दो सही रहता है। इस तरह से शाही पनीर बनाओ बहुत टेस्टी, बच्चे जो खाएं वो बना दो, तो बाहर की चीज़ें कभी नुकसान करती हैं, अंदर की चीज़ें कभी नुकसान नहीं दोस्त करती हैं। इस तरह से ये भी फ्राई हो चुकी, इसमें है ही क्या, इसको भी थोड़ा सा निकालने बाहर। हम डाल दे रहे हैं टमाटर, इसको भी हल्का फ्राई कर लेंगे, फ्राई करने से कुछ स्वाद ही चेंज हो जाता है। इस तरह से टमाटर इस तरह से मैंने इसको फ्राई किए तो एकदम चटनी बन, ऐसा नहीं टमाटर डालना चाहिए, एकदम मिस्सी कर दो ना, मिस्सी वाला अच्छा नहीं लगता है, इसे फ्राई कर लो इस तरह से। मैंने देखो सारा एकदम फ्राई कर लिया, टमाटर भी फ्राई कर लिया था बिल्कुल, हमारा लहसुन प्याज और अदरक और भी थोड़े मसाले हैं थोड़ी सी, अभी से मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दूँ, फिर मेरा नमक, उस पर लाल वाली मिर्च मसाला और धनिया, इसी में सारे मिक्स हैं मसाले। इस तरह से मसाला मैंने बना लिया, थोड़ा सा पानी, अब इसमें तेल में हम डाले दे रहे इस तरह से। मेरे पास खोया नहीं था, मैंने यही मलाई निकाल के डाल दी है दोस्तों, थोड़ी सी स्वाद इसमें आ जाता है। मसाला का कलर देखो कितना अच्छा, देखो तेल छोड़ दिया, अब इसमें हम डाले दे रहे हैं दोस्तों टमाटर जो मैंने फ्राई करे, फिर इसमें डाल दो फिर चला लो इसको। ये हमने तेज पत्ते नहीं डाल पाए तो भी मैं चलो स्वाद आ जाएगा, मैंने ऊपर से डाल दिए मसाले में, यही भुन जाएंगे ये मेरे। इस तरह में हमने सारे सामान डाल दिए, मसाले फ्राई कर लिए, इसमें पानी नहीं डाले देंगे दोस्त। इस तरह से आप बनाओ शाही पनीर, देखो और इसमें कुछ नहीं करने, बस बन गई, अब हम इसको क्या करेंगे उतार लेंगे। देखो कैसी बनी दोस्त, बनी है होटल जैसी,
कोई कमी हो तो बता देना दोस्त आप लोग। देखो खाके बहुत अच्छी बनी होगी, औरत बनाए खाना घर पे अच्छा रहता है। ये देखो मेरी शाही पनीर बन चुकी है, अब इसमें डाल दे रहे कटा हुआ ये दोस्त धनिया। इस तरह से बनाई, हमारे गोलू पापा को नहीं पता रहता है विनीता किचन में क्या बना रही है क्या नहीं बना रही है, उनको बेचारे को कोई मतलब नहीं, उनके पास हम ले जाएंगे वो तभी जान पाते हैं कि ये रेसिपी बनी बनाई है। दोस्त हमने अपना आटा गूंध लिया, आटा जितना अच्छा गूंधा होगा ना उतनी रोटियां अच्छी आती है, एकदम तसला ऐसा लगता रहता है कि हाँ एकदम धुल के रखा है। और इधर हमारा ये तवा रखा है, अब हम इनके लिए रोटी बना दें, ये जा रहे हैं, सवेरे का वक्त है। पनीर के साथ इनको रोटी पसंद होती है, पूरी नहीं सीख चुकी है। दियाएं पति परमेश्वर। अब इसमें रख दूँ अपने ये चम्मच, ये है सिमई और ये है शाही पनीर, ये है रोटी, इनको हम देखो देके आ रहे हैं। हमारा ये बेटा देखो पढ़ रहा है, भर मोबाइल चलाते हो तुम, थकते नहीं लो, खाना खा लो फिर तुम जाओ, उधर पानी बरस रहा है। हाँ हाँ खाना खाओ और जाओ स्कूल, बच्चे तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे इन परे परे काका। अरे यार मेरी सिमैया, ये है मेरी शाही पनीर, ये है सिमैया, ये रोटी, और रोटी खा लो। पर वो सिमई इसलिए बना रहे थे, मीठा खाने से खाना पच जाता है। और स्कूल जाओ, बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, इन पूरे दिन बैठ टो रहे हो, हम पूरा घर की नीली कर चुके, झाड़ू पोछा कर, वो देखो उधर गाँव कर रही है, इसको भी खाना देने। जो बताओ बनी कैसी है रे यार? अभी आप खा लो, अभी हम खा चुका ना, 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 ना पहले मम्मी को नवाया जाके तब हम ना खाएंगे, या कि आप खा लो, आपको इसलिए सवेरे दे देते, सवेरे खाली पेट खा जाना।